तो यार देखो, आपको तो पता ही है कि अभी के टाइम पे फ्री फायर में लोग आपके गेम प्ले से ज्यादा आपके कपड़ों पर ध्यान देते हैं। मतलब आपका गेम प्ले चाहे कैसा भी हो, चाहे आप मूवमेंट के कितने बड़े बादशाह क्यों ना हो, अगर आपने कुछ इस टाइप के कपड़े पहन रखे होंगे तो आपको ऑटोमेटिकली नूब ही समझा जाएगा। और मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो भाई बेकार कपड़े वालों को तो भाई आंख बंद करके किक कर देते हैं ग्रुप से, जैसे उनकी आईडी में तो बड़े हीरे जवाहरात और 4-5 V-बैच चिपके हुए हैं। और मुझे पता है आप में से ज्यादातर लोग टॉप अप भी नहीं करते, इसीलिए आपके पास रेयर बंडल्स भी नहीं होते और अच्छा ड्रेसअप भी नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आपको ग्रुप से भी भगा दिया जाता है और कोई बढ़िया बंदा आपको फ्रेंड लिस्ट में भी नहीं लेता। और रेस्पेक्ट तो खैर भूल ही जाओ। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको टॉप 5 ऐसे फ्री स्टाइल ड्रेसअप बताने वाला हूँ, जिसको पहनने के बाद कोई भी बंदा आपको देखकर आपको हल्के में नहीं लेने वाला, और अगर आप किसी के ग्रुप में जाओगे तो सभी लोग रेस्पेक्ट भी करेंगे। और फिफ्थ वाला ड्रेसअप देख के तो भाई आप लोग एकदम चौंक ही जाओगे, तो इसलिए उसे तो बिल्कुल भी मिस मत करना। और ये पांचों ड्रेसअप एकदम फ्री है, मतलब आपको इन कपड़ों को पहनने के लिए कोई भी डायमंड लगाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसीलिए भाई अगर आपको फ्री फायर में अपनी इज्जत को बनाए रखना है ना, तो इस वीडियो को एकदम एंड तक देखना और जल्दी से एक लाइक कर दो और फटाक से सब्सक्राइब भी कर दो। चलते अपन वीडियो को शुरू करते हैं। तो जो सबसे पहला ड्रेसअप होने वाला है ना, उसके लिए आपको सबसे पहले आना है वॉल्ट में, और यहाँ पर आपको हेयर में आके ये वाले बाल लगा लेने हैं, जो कि आप में से हर एक बंदे के पास होंगे क्योंकि इसका पूरा बंडल सबको एकदम फ्री में मिला था। उसके बाद नीचे मास्क में आके आपको ये क्रिश वाला मास्क लगा लेना है, और ये मास्क भी आप सभी के पास होगा ही होगा। फिर टी शर्ट में आके फ्री फायर के नाम की आपको ये रेड वाली टी शर्ट पहन लेनी है, और पैंट में जाके एक साइड से बड़ी और एक साइड से छोटी वाली पैंट आपको पहन लेनी है, और एंड में कोई सी भी चप्पल आप लोग पहन लेना। और आपका फर्स्ट ड्रेसअप कंप्लीट हो चुका है। और इस टाइप का ड्रेसअप वो लोग करते हैं जो लोग अपने चैनल पे मोंटेजेस अपलोड करते हैं, और अगर आप भी एक कस्टम प्लेयर हो तो आप भी इस ड्रेसअप के साथ कस्टम वगैरह खेल सकते हो। सेकंड जो ड्रेसअप है वो भी बहुत तगड़ा ड्रेसअप है, और उसे तो भाई मैं भी कभी कभी यूज करता हूँ। तो सबसे पहले आना है आपको वॉल्ट में, और वॉल्ट में आके आपको ये जोकर वाले बंडल का हेड पहन लेना है, और ये जोकर वाला बंडल आप सभी के पास होगा क्योंकि ये बंडल मैजिक क्यूब में आया था, और इस बंडल को मैजिक क्यूब से लगभग सभी लोगों ने निकाल लिया था, तो इसका हेड आप लोग लगा लेना। उसके बाद आपको शर्ट वाले ऑप्शन में आके ये ऑरेंज वाली शर्ट पहन लेनी है, जो कि FF टोकन से कोई भी बंदा जाके आराम से ले सकता है, आप लोग अभी भी जाके ले सकते हो। और उसके नीचे ये वाली ब्लैक पैंट, और उस ब्लैक पैंट के नीचे ये वाले व्हाइट शूज पहन लेने हैं। तो इस वाले ड्रेसअप को लगा के आप लोग आराम से BR रैंक या फिर CS रैंक खेल सकते हो, जो कि दिखने में काफी तगड़ा लगेगा। और इस ड्रेसअप को पहन के कोई भी बंदा आपको नूब भी नहीं कह सकता। बात तो सही है। थर्ड जो ड्रेसअप है उसमें आपको सबसे पहले अपने सर पर कोई सी भी कैप लगा लेनी है, और कैप लगाने के बाद आपको मास्क में आके क्रिश वाला मास्क लगा लेना है, और टी शर्ट में आके आपको ये येलो वाली टी शर्ट पहन लेनी है। और शायद आपको पता हो कि भाई ये वाली जो टी शर्ट है ये हमें बुए ऐप से मिलती है, उसमें हमें कुछ भी मिशन वगैरह पूरे करने होते हैं तो वहां से मिल जाती है, और मुझे पता है आप में से बहुत सारे लोगों के पास होगी, तो इसीलिए इस टी शर्ट को पहन लेना। और पैंट में आके आपको ये वाली पैंट इक्विप कर लेनी है, और ये वाली पैंट आपको गोल्ड रॉयल में से एकदम फ्री में मिल जाएगी, और नीचे आपको वही व्हाइट शूज पहन लेने हैं। तो ये ड्रेसअप कॉम्बिनेशन भी दिखने में काफी अच्छा लगता है। और इस टी शर्ट के नीचे अगर आप कोई ब्लैक पैंट अगर आपके पास कोई और है तो आप लोग वो भी पहन सकते हो, वो भी इसके ऊपर अच्छी लगेगी। फोर्थ नंबर का जो कॉम्बिनेशन है उसमें भी आपको सबसे पहले अपने सर पर ये ब्लू वाली कैप लगा लेनी है, और मुंह पर कोई सा भी रुमाल बांध लेना है, और उसके बाद ये फेस वाले में आकर आपके पास कोई भी चमकती धमकती स्किन होगी आईज वाली तो आप लोग उसको लगा लेना। फिर टी शर्ट वाले में आके आपको ये स्ट्रीट फाइटर वाले इवेंट वाली टी शर्ट पहन लेनी है। तो आपको याद होगा कि कुछ टाइम पहले हमारे गेम में एक इवेंट आया था जिसमें हमें टेकन 3 की तरह फाइट करनी होती थी, और उसी में से ये टी शर्ट सबको एकदम फ्री में मिली थी, तो इसीलिए ये टी शर्ट सभी के पास होगी तो आप लोग इसको लगा लेना। उसके बाद पैंट में आके आप लोग ये स्कल वाली पैंट पहन लेना, और उसके नीचे आप लोग कोई सी भी ग्रीन कलर की चप्पल पहन लेना, जिससे कि आपका कैरेक्टर एकदम मस्त लगेगा। तो ये वाला ड्रेसअप कॉम्बिनेशन भी बहुत तगड़ा लगता है दिखने में। और ये वाली जो स्कल वाली पैंट है ये होती तो सबके पास है, लेकिन अभी के टाइम पे इसको काफी कम लोग पहनते हैं, तो इसीलिए आप लोग इसको पहन सकते हो। और इस स्कल वाली पैंट के ऊपर अगर आपके पास कोई और बढ़िया सी टी शर्ट है तो आप लोग उसको भी पहन सकते हो। अब जो फिफ्थ नंबर का ड्रेसअप कॉम्बिनेशन है वो तो भाई एकदम ही सर से लेकर पैर तक एकदम फ्री है, और अगर किसी बंदे ने आज ही फ्री फायर की आईडी बनाई होगी तो वो भी इस ड्रेसअप कॉम्बिनेशन को आसानी से पहन सकता है। तो आपको सिंपल कैप में आके ये वाली कैप लगा लेनी है, और उसके बाद मास्क में आके आपको ये वाला मास्क लगा लेना है, और ये वाला मास्क आप सभी के पास होगा क्योंकि इस मास्क का पूरा बंडल गोल्ड रॉयल में एकदम फ्री में आया था, और गोल्ड रॉयल के सभी बंडल आप सभी के पास होंगे तो इसलिए इस मास्क को लगा लेना। फिर उसके बाद टी शर्ट में आके आपको
ये ब्लैक वाली टी शर्ट पहन लेनी है। और आपकी जानकारी के लिए मैं ये भी बता देता हूँ कि ये जो ब्लैक वाली टी शर्ट है ये सभी को एकदम फ्री में मिल जाती है और आप इसको कभी भी जाकर ले सकते हो, क्योंकि ये जो ब्लैक वाली टी शर्ट है ये अभी भी गोल्ड रॉयल में है ना। तो इसीलिए अगर आप लोग जाके वहाँ पे स्पिन करोगे तो आपको ये वाली टी शर्ट ऐसी मिल जाएगी कुछ दिनों के लिए। और उसके बाद नीचे आके आपको ये वाली ब्लू वाली पैंट पहन लेनी है जो कि दिखने में काफी ज्यादा स्टाइलिश लगती है। और ये वाली पैंट भी आप लोग गोल्ड रॉयल में से जाके कभी भी ले सकते हो। और सबसे नीचे आपको कोई भी ब्लैक कलर की चप्पल पहन लेनी है। तो अगर आपकी आईडी एकदम नूबड़ी है, मतलब आपने अभी तक कोई भी रुपया नहीं लगाया है फ्री फायर के अंदर, तो आप लोग सिंपली इस ड्रेसअप कॉम्बिनेशन को आराम से पहन सकते हो और कोई भी बंदा आपको देख के नूब नहीं बोल पाएगा। और ये फिफ्थ वाला ड्रेसअप ज्यादातर कस्टम प्लेयर पे सूट करता है। और अब अगर आप मेरे से पूछोगे कि इन पांचों ड्रेसअप कॉम्बिनेशन में से मुझे कौन कौन से अच्छे लगते हैं, तो भाई मैं दो कॉम्बिनेशन के नाम लेना चाहूंगा। एक तो है सेकंड वाला ड्रेसअप मतलब जोकर वाला, और एक है फिफ्थ वाला ड्रेसअप। मतलब अगर आप सीएस या फिर बीआर रैंक खेलते हो तो फिर आप लोग सेकंड वाले ड्रेसअप को लगाकर जा सकते हो, और अगर आप लोग कस्टम खेलते हो तो आप लोग फिफ्थ वाले को लगाकर जाना। और अगर आपको इससे और ज्यादा कोई बढ़िया ड्रेसअप कॉम्बिनेशन पता है तो आप लोग कमेंट करके मुझे जरूर बताना। तो भाई ये थे हमारे पांच फ्री स्टाइल ड्रेसअप जिसको फ्री फायर में पहन के आप लोग अपनी बेइज्जती होने से बचा सकते हो। लेकिन अगर आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है ना तो जल्दी से कर दो यार, वरना ये जो मैंने पांच ड्रेसअप बताए हैं उससे मुझे क्या फायदा हो रहा है, मुझे ये समझ नहीं आ रही, मुझे कोई कमेंट तो करके। और भाई प्लीज प्लीज सब्सक्राइब भी कर देना, और नीचे आपको मेरा इंस्टाग्राम का लिंक दिख रहा होगा, तो अगर आपको कोई और दिक्कत है तो आप लोग वहाँ पे आके मेरे से बात कर सकते हो। लेकिन हाँ, फॉलो जरूर कर लेना। मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।